Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, as you know that in our previous session, we were doing a topic of unit 2 we have started with the second unit, that is science and technology, and we have done up to page number 68. Okay, now today we are going to start the next topic, that is science mix, given at page number 72. Okay, so students, kindly open your books at page number 72, that is science mix. Okay, I'll just write on the topic here. That is science mix, given at page number is 72. So all of you kindly open your books at page number 72, that is science mix. Okay, it's a word game. Okay, as you can see in the book, beta. देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है, इट्स अ वर्ड गेम बट इट इज रिलेटेड टू द साइंस. तो इसमें क्या है बेटा, ये वर्ड गेम है जो ये आपको रिडल्स भरने कैसे हैं. आई विल जस्ट गिव यू अनदर. देखिए देयर आर सम क्वेश्चंस दैट इज रिटन ऑन पेज नंबर 73 एंड इसके आंसर्स आपको इसमें फिल करने. ओके, सो आप इन द ऑन द पेज नंबर 73 आपको दिख रहा होगा दैट इज एट द टॉप इट इज अक्रॉस एंड देन इट इज रिटन डाउन. सो दैट मीन जो ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 16, 17, इनके क्वेश्चंस है अक्रॉस. जो जो इनका थर्ड का आंसर टाइनी पीस ऑफ मैटर है, तो इसका जो आंसर है वो थर्ड, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इस अक्रॉस में भरा जाएगा. ये जो क्वेश्चन नीचे वाले, इनके आंसर्स डाउन फॉर्म में है, तो इनका आंसर्स ऐसे लिखे जाएंगे. ओके, अक्रॉस वाले ऐसे लिखे जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट राइट एंड डाउन वाले फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इस वे में. ओके, द क्वेश्चंस आर गिवन हियर एंड आई विल जस्ट टेल यू द आंसर्स एंड यू आर गोइंग टू राइट द आंसर. आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द आंसर सिंपली एंड यू आर गोइंग टू राइट द आंसर्स इन द रिडल एज वेल एज इन एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन ऑल्सो. कल को इन केस मतलब बाद में बेटा आपको जब लर्न करना होगा दैट विल बी इजी फॉर यू. सो यू यू हैव नो नीड टू फाइंड आउट द आंसर्स, यू कैन डायरेक्टली हैव द आंसर्स फ्रॉम हियर. एज आई हैव रिटन हियर, तो यू मस्ट राइट योर आंसर्स इन द फ्रंट ऑफ इन द आफ्टर द क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. द थर्ड सर, देखिए ये हम सीरियल ऑर्डर में नहीं करेंगे, वी विल डू इन द फॉर्म ऑफ दैट इज गिवन की अक्रॉस वाले पहले दिए हैं, सो वी विल डू द अक्रॉस वन, आफ्टर दैट वी विल डू द डाउन वन. तो नंबरिंग में नहीं है ये, ऊपर नीचे होंगे. ओके, स्टार्टिंग विद द अक्रॉस वाले, स्टार्टिंग विद अक्रॉस. ओके, स्टार्टिंग विद थर्ड, पहले थर्ड दिया हुआ है. अ चाइनी पीस ऑफ मैटर, अ टाइनी पीस ऑफ मैटर, किसी भी मैटर का एक छोटा सा पीस. अब पीस, एनी पीस ऑफ अ मैटर, एक किसी भी पीस का एक छोटा सा, मतलब छोटाइनी मीन सब छोटा सा पीस. सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट, वी कॉल इट पार्टिकल्स, वी कॉल इट पार्टिकल्स. राइट डाउन द आंसर, दैट इज पार्टिकल्स. अ टाइनी पीस ऑफ मैटर इज कॉल्ड पार्टिकल्स. ओके, किसी भी कोई भी मैटर हो बेटा, उसका छोटा सा पीस उसको क्या बोला जाता है, दैट इज नोन एज पार्टिकल्स. अ टाइनी पीस ऑफ मैटर इज नोन एज पार्टिकल्स. ओके, फोर्थ वन, समथिंग दैट हैज अ शेप एंड इज नाइदर अ गैस नॉर अ लिक्विड. ओके, आपको पता है देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, तीन टाइप के मैटर होते हैं. द फर्स्ट वन इज सॉलिड,
लिक्विड एंड गैस. सो दीज, ये इस थ्री फॉर्म में कोई भी चीज है या तो वो सॉलिड होगी, या तो वो लिक्विड होगी, या तो वो गैस होगी. इन थ्री फॉर्म्स में मिलेंगे हमें कोई भी चीज होगी. ओके, सो इन्होंने क्वेश्चन क्या लिखा है, समथिंग दैट हैज अ शेप. ओके, सो बिफोर एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन, ओके, द सॉलिड लिक्विड एंड गैस, कोई भी चीज बेटा होगी दुनिया में, कोई भी चीज होगी, दैट विल बी इन दिस थ्री फॉर्म ओनली. या तो वो सॉलिड होगी, या तो वो लिक्विड होगी, या तो वो गैसेस होगी. सॉलिड मीन्स कि वो प्रॉपर से द बॉडी, जैसे हम अपनी बॉडी के दैट इज सॉलिड, कि हमारी एक प्रॉपर शेप है. ओके, आप चाहे किसी कहीं भी बैठ जाओ, आप चाहे कहीं लेट जाइए, कहीं बैठ जाइए, योर शेप विल नॉट बी चेंज्ड. ओके, सो दैट इज सॉलिड. जो सॉलिड कोई, जैसे कोई भी चीज जो सॉलिड है जिसकी शेप चेंज नहीं हो सकती, द शेप दैट विल रिमेन सेम, दैट इज नोन एज सॉलिड. सेकेंड इज लिक्विड. सो वॉट इज लिक्विड? लिक्विड मीन्स कोई भी ऐसा फॉर्म दैट कैन चेंज शेप अकॉर्डिंग टू द थिंग इन विच इट इज पुट. लाइक जैसे कि पानी की बात करें, ओके, इफ यू टॉक अबाउट वाटर, तो पानी की शेप क्या है? इज देयर एनी शेप ऑफ वाटर? नो. आप जिस वेसल में उसको डालोगे उसी शेप का हो जाएगा. इफ यू पुट दैट वाटर इन द बॉटल, तो वो बॉटल में शेप में. इफ यू पुट दैट वाटर इन एनी प्लेट, तो वो प्लेट की शेप में फैल जाएगा. ठीक है, ग्लास में डालोगे तो वो ग्लास के जैसा हो जाएगा. सो लिक्विड की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है. ओके, वो अकॉर्डिंग टू द वेसल, ये जिस भी कंटेनर में उसको रखा जाता है उसी के अकॉर्डिंग शेप ले लेता है. ओके, सो दैट इज लिक्विड. द लास्ट वन इज द गैस. गैस कांट बी सीन. ओके, ओके, सो देखिए, अब जैसे सिलेंडर्स हैं, सिलेंडर्स में गैस फील होती है, बट यू कांट सी इट. ओके, नॉर्मली से अंडरस्टैंडिंग हियर दैट लॉट्स ऑफ गैसेस आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, बट वी कांट फील इट. ओके, बट वी आर यूजिंग इट राइट नाउ. आई एम जस्ट ब्रीदिंग एंड आई एम ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग. इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, बट देयर इज नो नीड ऑफ, सो बट आई कांट सी ऑल दीज गैसेस. ओके, सो गैसेस कैसी फॉर्म होती है? जो कि इनविजिबल होती है, जिसको आप देख नहीं सकते, बट दैट इज प्रेजेंट देयर ओनली, बट वो वहां पे प्रेजेंट होती है. ओके, बट नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर फोर. समथिंग दैट हैज अ शेप, कोई ऐसी चीज जिसकी शेप होती है, एंड इज नाइदर अ गैस नॉर अ लिक्विड. ना वो गैस है, ना ही वो लिक्विड है. सो वॉट इज इट? इट इज सॉलिड. देखिए, मैंने आपको बताया वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, यही थ्री फॉर्म्स हो सकती हैं. बट ऐसी कोई चीज जिसकी प्रॉपर शेप हो, लेकिन ना वो लिक्विड है, ना वो गैस है. सो वॉट इज इट? इट इज सॉलिड. सो द आंसर ऑफ द फोर्थ वन विल बी सॉलिड. एस ओ एल आई डी, दैट इज सॉलिड. ओके, नेक्स्ट, नॉट द फिफ्थ, इट विल बी द सिक्स्थ वन नाउ. अ थिक क्लाउड ऑफ वेरी स्मॉल फ्लोटिंग ड्रॉप्स ऑफ वॉटर. ओके, यस, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फॉग. फॉग मीन्स धुंध, कोहरा. ओके, इफ यू रिमेंबर ड्यूरिंग द विंटर स्पेशली, क्या होता है कि जब भी बहुत तेज कोहरा होता है तो क्या फील करते हो? जब अगर आप जाए उसके सामने, मतलब जा रहे हो अगर आप कोहरे में, तो आपको ऐसा लगता है छोटे 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 बूंदे दैट आर फॉलिंग ऑन योर फेस. ओके, उस टाइम हमारी पूरी बॉडी कवर होती है क्लोथ से, ग्लव्स हैं, कैप है, मतलब स्वेटर्स हैं, कोट्स हैं, शूज हैं, बट द फेस, जो हमारा फेस है वो अनकवर्ड होता है. फेस इज ऑलवेज अनकवर्ड, बट आप देखते हो कई बार जब फॉग होती है तो आपको फील होता है ना कि छोटी 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 जो कुछ ड्रॉप्स हैं वो आपके फेस के ऊपर पड़ रही हैं. ओके, तो असल में जिनमें क्या मतलब छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं वो आपके फेस पे पड़ रही हैं. सो वो क्या होती हैं? व्हाट इज दैट? ओके, वो जो होता है क्लाउड होता है, जो धुंध होती है वो क्या होती है, जो कोहरा होता है वो क्या होता है? दैट इज अ क्लाउड ऑफ वॉट, एक थिक क्लाउड ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वॉटर. तो वो पानी की बूंदों का एक गहरा क्लाउड है, बादल है. ओके, ओके, व्हेन यू मूव इन द फॉग यू विल फील ड्रॉप्स. ओके, आपके पूरे बॉडी पे, आप सॉरी आपके हेड पे,
आपके कपड़ों पे, मतलब आप देखते हो ना पानी गिरती का, जब आप उसको क्लियर करते हो तो आपको लगता है कि हाँ ये तो पानी जैसा है, तो एक्चुअल में एक फॉग होती है। फॉग जब आप अपने फेस पे या फिर अपने हेड से, अपने शोल्डर से जब साफ करते हो तो आपका हाथ गीला हो जाता है, सो दैट मीन्स वो फॉग है। ओके, जो फॉग है वो क्या है, दैट इज ड्रॉप ऑफ वाटर्स। ओके, सो दिस द फॉग इज अ थिक क्लाउड इन द फॉर्म ऑफ थिक क्लाउड सॉरी द फॉग इज अ thick cloud of very small floating drops of water. So answer of the sixth one is, so in पानी की बूंदों को बेटा ज्यादा present in the air in the form of a thick cloud. So what we call it? We call it fog. We call it fog. Fog means धुंध, कोहरा, F-O-G, fog. Next one is the eighth one. ओके, आई एम जस्ट टेलिंग आपको कि मैम आप ऊपर नीचे चल रहे हैं, आई एम जस्ट टेलिंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डूइंग द आंसर्स ऑफ अक्रॉस, देन वी विल डू द आंसर्स ऑफ डाउन। ओके, नाउ द एट वन इज द नेक्स्ट वन, मेटल दैट रस्ट एंड कैन बी मैग्नेटाइज्ड। एक ऐसा मेटल जो कि रस्ट कर सकता है, राइट, रस्ट मीन्स दैट कैन, जिसको बोलते हैं जंग लगना, ऐसा मेटल जिसमें जंग लग सकती है और जिसको मैग्नेटाइज भी किया जाता है, जो मैग्नेट के साथ भी वर्क करता है आप बोल सकते हैं उसको। ओके, द मेटल दैट कैन बी मैग्नेटाइज्ड एंड दैट कैन बी रस्ट आल्सो, रस्ट में उसमें जंग भी लग सकती है एंड उसमें मैग्नेट। ओके, आपने देखा होगा कि जब हम, तो दैट इज व्हाट इज इट, इट इज आयरन, जिसको हम लोहा बोलते हैं। ओके, अगर आपने देखा होगा, अगर कोई लोहे की चीज़ है बेटा, कोई भी चीज़ एनीथिंग, अगर वो ज़्यादा पानी के कांटेक्ट में आती है तो आप देखते हो ना उसमें से वो ऑरेंज कलर और येलो कलर का कुछ लगना शुरू हो जाता है, सो व्हाट इज इट, इट इज रस्ट। ओके, स्पेशली जो विंडोज़ की ग्रिल्स होती हैं, तो जब अगर जब सीजन बारिश का मौसम होता है तो उस टाइम आप देखा करो तो क्या होता है कि वो ग्रिल्स के ऊपर थोड़ा 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 रस्ट लगना शुरू हो जाता है, इन केस इफ दे आर नॉट पेंटेड। अगर तो वो पेंटेड है, मतलब पेंट किया हुआ है, उसे प्राइमर या पेंट लगा हुआ है, तो वो कभी नहीं करेंगे, बट इफ दे आर नॉट पेंटेड, सो उसमें रस्ट, उसमें थोड़ा थोड़ा जो जंग लगना शुरू हो जाता है बेटा। एंड अदर देन दैट, एंड इफ यू आर हैविंग अ, जिसको हम चुंबक बोलते हैं, मैग्नेट है, इफ यू आर हैविंग अ मैग्नेट चुंबक, तो आप कभी कोई चीज चेक करने के लिए लोहे की, नहीं तो हम उसको क्या करते हैं, बचपन में आपने भी किया होगा, हम भी करते थे, सो हम वो चुंबक लेके हर लोहे की चीज पे चिपकाते थे, सो वो मैग्नेट भी उसके ऊपर चिपक जाता है, तो वो कौन सा मेटल है, सो दैट कैन बी मैग्नेटाइज्ड एंड दैट कैन बी रस्ट एज वेल, सो दैट इज आयरन, दैट इज आयरन, आई आर ओ एन, दैट इज आयरन। ओके, नेक्स्ट इज द टेंथ वन, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज कैरिड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक ऐसी एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन्स के क्या बोलेंगे, दैट कैन बी फ्लो, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो है उसकी वजह से जनरेट होती है, सो द एनर्जी दैट इज फॉर्म ड्यू टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से होते, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में बेटा क्या होता है, आप देखिए, आप जब इसकी डिटेल स्टडी करेंगे, व्हेन यू विल गो इन द हायर क्लासेस, सो यू विल केम टू नो अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स, बहुत कुछ होता है बेटा साइंस में, बहुत सारी चीजें होती हैं। ओके, सो बट इन शॉर्ट जस्ट लिसन की वॉट आर इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है तो वो जो करंट फ्लो करता है। ओके, बस आपने कभी देखा होगा कि मतलब किसी को शॉक लग गया, तो जो वो शॉक लगता है वो क्यों लगता है, इन समवन सडनली कॉज शॉक ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, से किसी को शॉक लग जाए तो वो क्यों लगता है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन इट, जो वो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का उसकी वजह से वो शॉक लगता है। सो वो इलेक्ट्रॉन्स एक तरह से वो करंट के फॉर्म में होते हैं। ओके, एंड व्हेन समवन टचेस इट दे जस्ट गेट अ शॉक। ओके, सो जो ये फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट यू नो वेरी वेल। ओके, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कैरिड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो आई जस्ट, ओके, दीज आर द आंसर्स फ्रॉम द 3, 4, 6 एंड 8। थर्ड वन इज द पार्टिकल्स, फोर्थ इज द सॉलिड,
6 is the fog and 8 is the iron. Okay. Now I was talking about the 10th one, that is electricity. इसको हम बिजली बोलते हैं. That is electricity. Next is the 11th one. Okay. A sharp curved claw on the foot of a bird. Okay. जो birds के foot होते हैं, जो birds के foot होते हैं, उनकी उनके जो क्लॉज होते हैं, जो उनके पंजे होते हैं, जो कि शार्प होते हैं. द शार्प, अ शार्प कर्व, शार्प तीखे और कर्व्ड. आपने देखो कि पंजे उनके बहुत कर्व, मतलब उनके कर्व शेप में होते हैं, वो बहुत ही तीखे होते हैं, वेरी शार्प. ओके. एंड दे आर फुल ऑन द फुट ऑफ द बर्ड. बर्ड के पंजे के ऊपर जो उनके क्लॉज होते हैं, सर उनके बर्ड्स के पैरों के पास जो उनके क्लॉज होते हैं, दैट आर वेरी शार्प एंड दैट आर कर्व्ड ऑल्सो. वॉट वी कॉल इट, दैट आर टैलॉन, दैट आर टैलॉन. द शार्प कर्व्ड क्लॉ ऑन द फुट ऑफ अ बर्ड इज नोन एज टैलॉन. ओके. तो जो उनके पंजे होते हैं, आप देखोगे थोड़े से कर्व्ड होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, वो बहुत ही शार्प होते हैं. तो अपना कोई भी प्रे है, ना कोई भी अपना शिकार है, दे कैरी इट विद दैट ओनली. जो बर्ड्स दे कैरी देयर, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, ओके, बिग बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड ऑल, दे कैरी देयर प्रे विद द हेल्प ऑफ देयर क्लॉज ओनली, एंड दैट आर टैलॉन, दैट आर टैलॉन, टी ए एल ओ एन, दैट आर टैलॉन. ओके. सॉरी, आफ्टर 11th देयर विल बी द 13th वन. Okay, the liquid or the powder that helps remove dirt. ऐसा एक liquid या ऐसा एक powder जो कि dirt, मिट्टी या गंदगी हटाने के काम आता है. A liquid or a powder that is being used to remove dirt. What is it? It is detergent. Okay, आपने देखा होगा आजकल तो liquid form में भी detergent आता है, ठीक है, powder form में तो बहुत पहले से आता है. So this is लिक्विड और पाउडर जो कि दैट इज यूज टू रिमूव द डर्ट, स्पेशली इन द वॉशिंग मशीन. ओके, इफ यू गॉट एन ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इन योर होम, सो यू विल यूज अ लिक्विड डिटर्जेंट. लिक्विड डिटर्जेंट यूज होता है ताकि, मतलब फॉर द ऑटोमेटिक मशीन इट इज बींग यूज. ओके. सो लिक्विड और द पाउडर दैट हेल्प्स रिमूव डर्ट इज डिटर्जेंट. ओके. सो दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट, द बोथ द फॉर्म, पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल होता है एंड लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल होता है. सो दैट इज डिटर्जेंट, डी ई टी ई आर जी ई एन टी, दैट इज डिटर्जेंट. नेक्स्ट इज द 16th वन, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस. एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि डायरेक्शंस ढूंढने के लिए यूज किया जाता है. An instrument that is being used for finding directions. Directions ढूंढने के लिए किया जाता है. आपने देखा होगा एक गोल सा होता है, उसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखा होता है, उसके अंदर फोर दो सुइयां होती हैं. ओके. एक स्ट्रेट एंड क्रॉस शेप में, इस टाइप में. ओके. एंड वो मूव करती रहती हैं ऐसे ऐसे. ओके. सो जिसको जिस साइड जाना, मतलब जो भी डायरेक्शंस चाहिए होती है, तो वो उसको यूज करके डायरेक्शंस का पता लगाते हैं. सो वो उसको मूव करते हैं कि वेयर इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ओके. सो दैट इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन, दैट इज द क्लॉक की तरह गोल शेप में होता है. सो व्हाट वी कॉल इट, दैट इज अ कंपस, दैट इज अ कंपस. ओके. इफ यू हैव वॉच्ड द मूवी द पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सीज, इन दैट मूवी द जैक स्पैरो ही मूव्स, मतलब पूरी जितनी भी सीरीज हैं उसके, सॉरी जितने भी पार्ट्स हैं उसमें, हमने देखा होगा ही इज हैविंग अ कंपास दैट इज वेरी फेमस. ओके. सो दैट ही इज यूजिंग दैट कंपास फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस, फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस. सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज कंपास, सी ओ एम पी ए डबल एस, दैट इज कंपास.
ओके, 10th इज इलेक्ट्रिसिटी, 11th इज टेलोन, 13th इज डिटर्जेंट एंड द 16th इज कंपास. ओके चलिए, नाउ मूविंग नेक्स्ट टू द 17th वन. अ सिल्की और द फाइबरस कवरिंग अराउंड अ कैटरपिलर ड्यूरिंग द चेंज इनटू अ बटरफ्लाई. ओके, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल दैट जो बटरफ्लाई है वो कैसे आती है. जो कैटरपिलर होता है, जब वो बड़ा होता है, दैट बिकेम अ बटरफ्लाई. ओके, व्हेन दिस कैटरपिलर व्हेन इट ग्रोज अप, ग्रोन अप, दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ बटरफ्लाई. ओके, सो जब ये बटरफ्लाई में चेंज होता है तो इसकी जो बॉडी के ऊपर से कुछ जो लेयर्स हैं, देयर आर सम लेयर्स, व्हेन इट वाज अ कैटरपिलर सो देयर आर सेवरल लेयर्स ऑन इट्स बॉडी एंड स्लोली स्लोली जब वो लेयर्स खत्म हो जाती हैं, निकल जाती हैं, एंड देन इट इज ग्रोन अप एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ बटरफ्लाई. सो व्हाट इज इट? ओके, द सिल्की और द फाइब्रस कवरिंग अराउंड अ कैटरपिलर. एक सिल्की और फाइब्रस फाइबर जैसी लुक का एक लेयर होती है उसकी बॉडी पे. ओके, अराउंड अ कैटरपिलर ड्यूरिंग द चेंज इनटू बटरफ्लाई. ओके, जब वो बटरफ्लाई में चेंज होता है, सो व्हाट इज इट? दैट इज कोकून. दैट इज कोकून. सो व्हेन अ कैटरपिलर चेंजेस इनटू बटरफ्लाई, सो देयर इज अ लेयर ऑन इट्स बॉडी दैट इज वेरी सिल्की एंड दैट इज वेरी फाइब्रस. ओके, एंड व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम द कैटरपिलर, सॉरी, व्हेन इट चेंजेस it is very silky and the fibrous and when it changes from the caterpillar to the butterfly तो उसके ऊपर से वो सारी layers है वो धीरे धीरे हटनी शुरू हो जाती हैं. जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो क्या होता है, एक एक layer उतरती जाती है उसकी body के ऊपर से and finally when it properly grown up तो वो पूरा एक butterfly में convert हो जाता है. So what we call it, that fibrous layer or the silky layer, so that is known as cocoon. Spelling is, that is the 17th one. The 17th one is cocoon. C O C double O N. That is cocoon. Okay. So this is the answers from the across. So with this, we have completed the all the answers from the across. Now we are going to start with the downwards. जो down questions दिए हैं हम उसी से start करेंगे. So now I'm going to start with it, with the questions given in the down. D O W N. Okay. So that is the first one. Okay. A very large dinosaur with a long neck and tail. Okay, जो एक बड़ा सबसे बड़ा डायनासोर है जिसकी एक लॉन्ग नेक होती है, लंबी गर्दन होती है और लंबी टेल होती है. सो व्हाट इज इट कॉल्ड? उस जो सबसे बड़ा डायनासोर होता है जिसकी लंबी नेक और लंबी पूंछ होती है, सो उसको क्या बोला था? दैट इज डिप्लोजोकस. दैट इज डिप्लोडोकस. एज यू नो दैट डायनासोर्स आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड. ओके, दे हैव एक्सटिंक्टेड. बट जो एक सबसे बड़ा डायनासोर होता है उसको क्या बोला जाता था? जो बड़ा डायनासोर था जिसकी एक लंबी गर्दन और लंबी पूंछ थी, सो व्हाट इज कॉल्ड इट? इट इज कॉल्ड एज, इट वाज कॉल्ड एज डिप्लोजोकस. ओके, डी आई पी एल ओ जी ओ डिप्लो जो डिप्लोडोकस. ओके, नेक्स्ट इज अ लार्ज रेप्टाइल ऑफ द क्रोकोडाइल फैमिली. जो क्रोकोडाइल की फैमिली है, जो उसमें सबसे बड़ा रेप्टाइल है, उसको क्या बोला जाता है? दैट इज नोन एज एलिगेटर. इफ यू रिमेंबर व्हेन यू विजिटेड टू द व्हेन यू मेड द ट्रिप टू द सारनाथ इन द लास्ट ईयर, जब हम पिकनिक पे गए थे, तो आपने देखा होगा वहां पे एक टीचर्स ने आपको दिखाया था, स्पेशली मैंने भी आपको बताया था, दैट व्हाट इज एन एलिगेटर एंड व्हाट इज एन क्रोकोडाइल. द एलिगेटर क्या होता है बेटा? दे बोथ आर सेम बट दिस एलिगेटर्स दे हैव लॉन्ग माउथ. ओके, और जब एक सॉरी यस
एलिगेटर हैज अ लॉन्ग माउथ एंड बट अ क्रोकोडाइल का एक छोटा सा मुंह होता है. ओके वो उसका सिंपली ऐसे मुंह, तो बट एलिगेटर उसकी लंबी सी मुंह होता है. ओके सो लार्ज रेप्टाइल ऑफ द क्रोकोडाइल फैमिली, जो क्रोकोडाइल्स है उनकी उनकी फैमिली में से जो सबसे बड़ा रेप्टाइल है उसको क्या बोला जाता है, दैट इज नोन एज एलिगेटर. ए डबल एल आई जी ए टी ओ आर, दैट इज एलिगेटर. नेक्स्ट इज द फोर्थ वन, द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट कैरीज द वेट ऑफ द बॉडी. ओके जो हमारी बॉडी में एक फ्रेम बना हुआ है जो कि हमारी पूरी बोन्स का, द फ्रेम जो ऑफ हमारी बॉडी का जो जितना भी फ्रेम है जिसके ऊपर हमारी स्किन है पूरी. सो वॉट इज इट, इट इज स्केलेटन, जिसको हम कंकाल बोलते हैं. तो आपको पता है हमारी बॉडी में हर पार्ट में एक नीचे बोन्स हैं. ओके जो वो बोन्स है उसको हमारी बॉडी का फ्रेम है जिसके ऊपर की हमारी पूरी स्किन है. ओके सो दैट इज अ क्या है वो, दैट आर दैट इज स्केलेटन, वो हमारा क्या है स्केलेटन, जो हमारी बॉडी है उसके ऊपर उसके अंदर सारे बोन्स हैं. ओके दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बोन्स. ओके एंड वो एक फ्रेम बना हुआ है जिसके ऊपर पूरी हमारी स्किन है. सो दैट इज स्केलेटन, जिसको कि हम कंकाल भी बोलते हैं, दैट इज स्केलेटन, एस के ई एल ई टी ओ एन, दैट इज स्केलेटन. फिफ्थ इज अ कलरलेस गैस दैट्स द एनिमल ब्रीथ इन टू लिव. ओके ऐसी ये कलरलेस गैस जो कि एनिमल्स ब्रीथ करते हैं अपने जिंदा रहने के लिए. एज ए ह्यूमन बींग वी ऑल्सो ब्रीद इन वॉट विच गैस वी ब्रीद इन, वी ब्रीद इन ऑक्सीजन, वी ब्रीद इन ऑक्सीजन. तो हमारी तरह की जो एनिमल्स है वो भी ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं. दिस कलरलेस गैस इज नोन एज ऑक्सीजन, ओ एक्स वाई जी ई एन, दिस इज अ कलरलेस गैस दैट इज इनहेल बाय द एनिमल्स एज वेल एज द प्लांट्स एंड एज वेल एज द ह्यूमंस. Okay, to live. So these are the answers from first is Diplodocus, second is alligator, fourth is skeleton, and the fifth one is oxygen. Next, seventh one, the largest planet in the solar system. हमारे solar system में सबसे बड़ा planet कौन सा है? That is Jupiter. That is Jupiter. Seventh is the largest planet of our solar system is Jupiter. The largest planet of our solar system is Jupiter. Ninth one, the gas that protects the earth from the sun's harmful radiation. Okay, एक ऐसी गैस है हमारी एटमोस्फेयर में जो कि हमारे जो सन की जो हार्मफुल रेडिएशन है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है. देयर इज अ गैस दैट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर दैट प्रोटेक्ट्स अवर बॉडी फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन एंड उसी की वजह से जो हमें जो अगर इफ दैट गैस इज नॉट प्रेजेंट सो मे बी वी विल गेट स्किन प्रॉब्लम्स इजीली. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस गैस, दिस इज ओजोन गैस. और ओजोन लेयर इज देयर, ओजोन लेयर है जिसने कि हमारे जो रेडिएशन हैं उनको नीचे नहीं आती, उससे हमें प्रोटेक्ट करते, दैट इज ओजोन, ओ जेड ओ एन ई, ओजोन. नेक्स्ट ट्वेल्थ वन, अ मिक्सचर ऑफ फ्रोजन प्लांट्स एंड फूड दैट इज यूज एज अ फर्टिलाइजर. ओके जो खराब हो चुके सड़ चुके प्लांट्स और फूड है ओके उसको क्या कहेंगे, जो कि फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है, दैट इज अ कंपोस्ट, दैट इज अ कंपोस्ट, दैट इज अ कंपोस्ट, सी ओ एम पी ओ एस टी. जो सड़े हुए हमारा फूड है और प्लांट्स है जो उनका मिक्सचर है जो कि फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज कंपोस्ट. फोर्टींथ वन, द मिल्की वे इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मिल्की वे किसका नाम है, मिल्की वे इज अ गैलेक्सी, मिल्की वे इज अ गैलेक्सी, हमारा जो सन और अर्थ है उसी मिल्की वे का ही एक उसी गैलेक्सी का पार्ट है. सो मिल्की वे इज एग्जाम्पल ऑफ अ गैलेक्सी, जी ए
L A X Y, that is galaxy. 15th is the line where the sky and the earth appear to meet. ऐसी एक लाइन जहां पे लगता है कि अर्थ और स्काई आपस में मिल रहे हैं. सो वॉट इज दैट लाइन कॉल्ड? सो दैट लाइन इज नोन एज हॉरिजन. दैट लाइन इज नोन एज हॉरिजन. एच ओ आर आई जेड ओ एन, दैट इज हॉरिजन. सो लाइन वेर इट अपियर्स दैट द सन एंड द अर्थ मीट, दैट इज नोन एज हॉरिजन. लास्ट वन इज 18th इज the study of lights. If someone studies about the lights, that means he is studying optics. जैसे कि biology पढ़ते हैं तो वो sorry botany पढ़ते हैं, they are studying about the plants. Okay, zoology पढ़ते हैं, they are studying about the animals. Okay, so just like that, if someone is studying the about the lights, or they are studying optics. Study of light is called optics. Okay. So these are the answers. You can note it down from here. Okay. So with this, I'm just ending the session here only, class. So I'll see you again very soon in our next class. So till then, everybody, have a good day.